वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे समथिंग, और आज का सीन ऐसा है कि आज है रामनवमी, तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरी फैमिली की ओर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे गांव से निकलेगी शोभा यात्रा रामनवमी की, तो बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लेंगे, कुछ लोग पैदल भी आएंगे, कुछ लोग बाइक्स पे भी आएंगे। तो मेरा और मेरे फ्रेंड्स का भी जाने का प्लान है, तो हम लोग तो बाइक्स पे जाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है आज। और कल मैं मार्केट में भी गया था तो सब जगह भगवा भगवा लगा दी है, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस हम रेडी हो जाते हैं। क्या बहनों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। मैंने तो नॉर्मल शर्ट ही डाल दी है और यहाँ पे पड़ा है ये भगवा, इसको मैंने आधे घंटे तक ढूंढा है और फिर मिला है मेरे को, तो इसको भी पहन के जाएंगे। गॉगल्स भी लेने मेरे को, तो वो भी नीचे जाके ढूंढने पड़ेंगे। अभी तक लाइट नहीं आई है। ओ भाई, इतने सारे गॉगल्स, कौन सा पहनूं, समझ में नहीं आ रहा। तू नहा तो ले, आज रामनवमी है, सिर्फ तू बनियान में घूम रहा है। आधे तो इसके अंदर से खराब है, ये देखो, कुछ कुछ तो काम के भी नहीं है। ये वाले मेरे को सही लगे। फाइनली लाइट तो आ चुकी है और इसको भी चेक करते हैं। सामने मेरे मिरर है, चेक करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा। ये मैं नहीं पहनूंगा भाई, मैं तो अपने भगवा ही पहनूंगा, गॉगल्स कैंसल। मैं तो जाने के लिए फुल रेडी हो चुका हूँ, बट अभी टाइम बहुत है हमारे पास। अभी 11 बज रहे, शायद शोभा यात्रा 1 बजे तक निकलेगी और 12 बजे हम जाएंगे राम जन्मोत्सव के लिए। रेडी हो गया? एक काम कर, चिवड़ा लेके आ जा। फराली, निर्मल को भेज दिया है फराली चिवड़ा लाने के लिए, तब तक मैं कॉफी बना देता हूँ। फाइनली कॉफी तो बन गई अपनी और चिवड़ा भी आ गया अपना। By the way, आज है मेरा लास्ट व्रत, फिर कल मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और अभी मैं लेके आ चुका हूँ कॉफी और ये जो चेवड़ा है ऊपर, तो यहाँ पे रूम में बैठ के आराम से शांति से थोड़ी सी पेट पूजा करता हूँ। क्या कर रहा है ये? पाव भाजी, पाव भाजी खा रहा है भाई सुबह सुबह। सो अभी ये व्हाइट टी शर्ट ला लिया है, मैं तो ये पहन रहा हूँ बिकॉज सब दोस्त लोग भी व्हाइट पहन रहे, तो मैं भी व्हाइट पहन रहा हूँ। मेरे पास शर्ट तो है नहीं, तो ये टी शर्ट ट्राई करते है, अच्छा लगेगा तो यही पहन लेंगे। ये वाला टी शर्ट पहन लिया और इसके साथ भगवा और भी अच्छा लग रहा है, तो एक जैसा सब दोस्त पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पे देखो भाई क्या कर रहे हैं, एक और भगवा मिल गया हमको। तिलक की कमी थी वो भी लगा लिया, अब चलते हैं मंदिर बिकॉज राम जन्म का टाइम हो गया है ना। आज मैंने मोजड़ी पहनी है, मैंने तो ये गले से उतार लिया बिकॉज इतनी गर्मी लग रही है। हनुमान जी की सेना मंदिर में पधार चुकी है। राम जन्मोत्सव तो बहुत ही धूमधाम से हो गया और अभी फिलहाल मैं अपनी गली में खड़ा हूँ प्रसाद लेके। अभी ये प्रसाद मेरे घर पे देते हैं। घर पे आते ही ग्लूकोन डी मिल गया। शोभा यात्रा का टाइम होने ही वाला है, तो अभी फटाफट से दोस्तों को कॉल करते हैं, बुलाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी घर से बाहर तो आ गया हूँ मैं। सो अभी अनुराग जयकार लगवा रहा है लड़कों के पास। वेरी गुड। मैंने तो झूला झुलाया नहीं, अभी झुला ले तो। चिराग और भावेश को इधर मंदिर के बाहर ही बुला लिया है। तो अभी गाइस हम रैली का रूट देखने के लिए जा रहे हैं, कैसा रूट है देखते हैं क्या है। अभी हम लोग आए हैं राम मंदिर, यहाँ से ही शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। और अभी भी भावेश और वो चिराग तो नहीं आया, तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनको लेके फिर आएंगे इधर, फिर रैली में हिस्सा लेंगे। तो अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट नहीं मतलब हम स्लिप हो गए थे, तो सारे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। भले ही हम स्लिप हो गए पर फिर भी हमको भाई शोभा यात्रा में तो जाना ही है। तो अभी मैंने चिराग और भावेश को कॉल किया है, वो बाहर ही खड़े हैं, तो उनके पास चलते और चलते फटाफट से भाई शोभा यात्रा में। सबसे पहले तो हम थोड़े से बाल वाल बना लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं बाहर। तो अभी भावेश और चिराग आ गए और आज एकदम गाड़ी को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दी है, और मेरे हाथ में भी एक झंडी है। और एक गाड़ी और आ रही है जो हमारा एक फ्रेंड लेके आ रहा है, तो वो आता है तो फिर हम निकलते हैं। तो एक और एक्टिवा आ गई है, अब चलते हैं सीधा राम मंदिर। तो
अभी हम राम मंदिर तो पहुंच गए। अभी यहाँ आप आवाज सुन सकते हैं। अभी यहाँ से रेली निकलेगी, थोड़ी देर खड़े रहते हैं और फिर निकलते हैं। एक डीजे तो ये आ गया, एक डीजे पीछे खड़ा है और एक डीजे उस तरफ खड़ा है। कितने डीजे आए आज, काफी सारी पब्लिक आ चुकी है। तो अभी गाइस निकलने की पूरी तैयारी, अभी निकलते हैं फटाफट से। तो अभी हमने बाइक तो घुमा ली है, अब चलते हैं सीधा रैली में। बाइक तो इधर ही रखनी पड़ेगी, हम सबको पैदल जाना है। बाइक अभी हमारे पास रखवा दी है और आप देख सकते हैं जाकी आ रही है एक से एक। तो अभी हम तीन जने शोभा यात्रा से अलग हो गए हैं, तो अभी हम फिर से उसमें जुड़ने के लिए जा रहे हैं। Hey guys.
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शाम के 7 बज रहे और मैंने ये फराली चिवड़ा ला ली और अभी हम जा रहे हैं घर की और पूरी शोभा यात्रा कंप्लीट हो गई। सब अपने अपने घर पे जा रहे हैं और हम भी अपने घर पे जा रहे हैं और मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो गई है तो इस फ़ोन में चार्ज है इसलिए मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो अभी घर पे जाके मेरे फ़ोन को चार्ज करता हूँ एंड फिर आपसे मिलता हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं और तब मैं घर पे आया, नहाया, फ्रेश हुआ, रेडी हुआ एंड अभी आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो आज जो भी है हमको बहुत मज़ा आया, बस मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज आ रही होगी और कल तक तो क्या पता कैसी आवाज़ आएगी। और हाथ पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं इतना चला इसलिए, बट जो भी आज हमको बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े किए और आज बहुत जने शोभा यात्रा में जुड़े तो बहुत मज़ा आया, सबसे मिले और ऐसे ही बस सब मिलते रहे, ऐसे ही बस और भी प्रोग्राम होते रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। और गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, मतलब पूरी शोभा यात्रा में तो मेरी बैटरी चली, एंड में बस लो हो गई थी इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड के फ़ोन से शूट किया था। और अभी फाइनली घर पे आया, नहाया धोया, तब तक मैंने चार्ज कर लिया तो अभी चार्ज कर लिया है। और अभी गाइस नीचे डिनर भी रेडी हो गया, आज मेरा लास्ट व्रत है तो वो भी खोलता हूँ और उसके बाद कल तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो आज मेरी फेवरेट चीज़ बनी है दाल बाटी, तो चलते हैं डिनर करते हैं। फाइनली डिनर ले लिया है। सो आज डिनर में मैंने आपको बताई दिया दाल बाटी और तली हुई मिर्च और नींबू ले लिया मैंने। सबसे पहले तो हम माता रानी को भोग लगाएंगे और उनको यही बोलेंगे कि हमने ये 9 दिन जो व्रत किए बस इसका फल अच्छा देना और बस हमको आगे सक्सेस बनाते रहना, ऐसे सक्सेस देते रहना और बहुत आगे बढ़ाना हमको और आपको भी, बस यही कामना करेंगे हम माता रानी से। तो
तो अभी व्रत खोलते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं। अभी डिनर हो गया है, अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड, बिकॉज अभी मेरे को एडिटिंग करनी है, थंबनेल भी एडिटिंग करनी है और मैं बहुत थक भी गया हूँ, तो अभी इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय 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 बाय। Jai Hind! Jai Hind!